यदि आपको लगता है हम देश हित में स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं तो आप हमें कम से कम 10 रुपए पेटीएम करके हमें आगे बढ़ने में मदद करें। आपका एक योगदान हमारे लिए अमृत है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। इस्तीफा कैसे देते हैं हमारे पकड़ पूछे। अच्छा, हमारे देश के एक बेस्ट प्रधानमंत्री है, बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले बिना बोलने वाले प्रधानमंत्री थे, जो बोल ही नहीं पाएगा वो देश क्या चलाएगा। ये पहला प्रधानमंत्री है जो निस्वार्थ काम करते हैं, बोला अपना आवाज उठाते नहीं है, इस देश को भी उठाने में उसका ताकत है। पैसा मायने नहीं रखता, देश मायने रखता है। राष्ट्रपति, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्कार, मैं मंजू उदयाल और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। पहले तो आपको पूरे ओनली न्यूज 24x7 के पूरे परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने इस्तीफा लेने का फैसला क्या लिया, पूरे देश में घमासान मच गया। 2019 के लोकसभा चुनाव करीब हैं, उसके बाद पीएम मोदी का फैसला लेना, इस्तीफे का फैसला लेना, आप भी सोच रहे होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करने वाले हैं कहीं ना कहीं उसमें आपको साफ दिख जाएगा कि किस तरह से इस्तीफे पर जनता ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जनता ने अपने अंदर का जो सम्मान होता है वो साफ दिखा दिया। ये रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। गणतंत्र दिवस जहां पूरा देश जश्न मना रहा है, उसी बीच खबर आना कि प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दे रहे हैं, उसमें लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो जानना जरूरी बन जाता है। तो हम आपके सामने पूरी रिपोर्ट पेश करेंगे और कई ऐसी रिपोर्ट पेश करेंगे जो कहीं ना कहीं आपको हिला कर रख देगी। पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले चाहेंगे कि आप हमारी स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जनता को सच्चाई दिखाना जरूरी बन जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव करीब हैं, उसके चलते भी जनता को ये पूरी रिपोर्ट दिखानी जरूरी बन जाती है। तो ज्यादा समय न लेते हुए पहले आप इस पूरी खबर को देखें, उसके बीच में किन किन बातों को उजागर किया गया है वो मैं आपके सामने पेश करती रहूंगी। नमस्कार, मैं मंजू उदयाल और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। ओनली न्यूज 24x7 आज ग्राउंड जीरो पर आ गया है जनता से जानने, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह है, जहां पर एक गणतंत्र दिवस का जो जश्न होता है लोगों के बीच वो दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी से बीच आपको बता दूं कि 2019 लोकसभा चुनाव सर पर है, इसी से हम जनता से जानना चाहेंगे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी आज के दिन इस्तीफा दे देते हैं तो जनता में उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, जनता की क्या उसमें राय होगी, क्योंकि विपक्ष का महागठबंधन जो मांग कर रहा है कि मोदी इस्तीफा दे दे, तो क्या जनता से जानना चाहेंगे कि अगर मोदी इस्तीफा दे देते हैं तो लोग उसमें क्या प्रतिक्रिया देते हैं और लोगों की उसमें क्या राय होती है। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगी मेरे साथ चले, जनता से जानना जरूरी हो जाता है, जनता की राय जानना जरूरी हो जाता है, कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाना जरूरी हो जाता है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए कि आप हमारे साथ चले और मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन से हमारे साथ चलते रहे, लोगों से जानेंगे। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गणतंत्र दिवस का समय है, अगर मोदी इस्तीफा दे देते हैं तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे। मोदी क्यों इस्तीफा दे देंगे जी? नहीं, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर मोदी जी इस्तीफा दे देते हैं तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे। मोदी जी इस्तीफा दे सकते, क्या कहना चाहेंगे? मेरे साथ तो कोई बनता नहीं रेस्पॉन्स देने का जी, रिस्पॉन्स नहीं देने का। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, 2019 का लोकसभा चुनाव सर पर, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में कौन आएगा? मोदी जी आने चाहिए, मोदी जी आने चाहिए। हमने इनसे पूछा, जानना चाहा कि अगर मोदी इस्तीफा दे देते हैं तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ही आने वाले। और लोगों से जानेंगे, कहीं ना कहीं लोगों से जितना हम कनेक्ट होते हैं सच्चाई उतनी खुलकर सामने आती है और सच्चाई उतनी ज्यादा सामने आती है। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगी कि हमारे साथ चले और जानते हैं लोगों से उनकी क्या राय है और वो क्या सोचते हैं इसे लेकर। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 2019 के लोकसभा चुनाव सर पर है, अगर और गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहा है पूरा दुनिया, अगर मोदी जी इस्तीफा दे देते हैं तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? मैम, मोदी से इस्तीफा क्यों देंगे, क्योंकि मतलब
ऐसे प्रधानमंत्री फिर मेरे निगाह में कोई है नहीं, फिर निगाह में नहीं, नहीं है मैम, इसलिए मोदी जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। ओके सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर मोदी जी, गणतंत्र दिवस का समारोह है, दिवस का एक जश्न है, अगर मोदी जी इस्तीफा दे देते हैं, नहीं दे पाए मैम मोदी जी इस पर ना, ये हम हुआ थे मोदी अच्छा काम किया, सब ठीक है मोदी मैम, मैंने बहुत अच्छा काम किया, वो किया है इंडिया में मैम, जो भी मंत्री है, पहले मंत्री मोदी जी है, उसने सबसे बढ़िया काम किया है, वो किए हैं, हम मोदी साथ हैं, मैं तो इंडिया से पार्टी से हूँ, सब चीज़ ठीक मैम। सर 2019 के लोकसभा चुनाव भी सर पर है, महागठबंधन जो अभी मेगा रैली हुई थी बंगाल में, उनका एक लक्ष्य था कि मोदी को हटाना है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मोदी मैम हटा नहीं सकते मैम, मोदी मैम द्वारा आना है तो आना है, मोदी ने आना है। हाँ जी मैम, मोदी जरूर आए 2019 में, और देश का भी सुधारित रहे, और भी मंत्री आए थे, उन्होंने देश का सुधार किया, ये मोदी पहले बंदा हमारे मुख्यमंत्री बना है, देश का प्रधानमंत्री, जो से देश के लिए जो तुष्ट ने तुष्ट किया है, नंबर वन पे पहुंचा हमारे देश, नंबर वन, ये उन्होंने साफ दिखाया कि नंबर वन को देश में पहुंचाया है, और जो सच्चाई है वो अंदर से निकली है कि मोदी ही एक देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को ऊंचाई के स्तर पर लेकर गए, और लोगों से जानेंगे, कहीं ना कहीं लोगों से जितना कनेक्ट होता है उतनी बातें सामने खुलकर आती है, और कहीं ना कहीं सच्चाई जो है सामने आती है। सर एक सिंपल सा प्रश्न है, गणतंत्र दिवस का दिवस समारोह है, अगर मोदी जी इस्तीफा दे देते हैं तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मोदी जी इस्तीफा नहीं देंगे, ठीक है, और जो हमारी बीजेपी है वो बहुत मजबूत पार्टी है, और हम उसी के समर्थक हैं, नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? मोदी जी इस्तीफा दे ही नहीं सकते। आप 2019 के लोकसभा चुनाव सर पर है, आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? मोदी जी को, सिर्फ मोदी जी, सिर्फ मोदी जी को। सर आप भी बताएं कि 26 जनवरी है, अगर मोदी जी इस्तीफा दे देते हैं तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा बिल्कुल गलत बात है, इस्तीफा ना दें। इस्तीफा नहीं देंगे, हमारे देश के एक बेस्ट प्रधानमंत्री है, और बेस्ट रहना चाहिए, मैं तो यही कामना करता हूँ, नेक्स्ट 2 दशक तो वही रहे, जिससे मुझे देश की तरक्की, एंड जो हमारे नेक्स्ट जो हमारे आने वाले कल के जो भी हमारे कौन बच्चे हैं या भाई हमारे हैं, तो उनके लिए बेस्ट इन भविष्य के लिए जो मोदी है बेस्ट भविष्य है, हमारे अदर देश में हम लोग जाते तो एक इंडिया की पहचान बनी रहती है, मोदी की हमारी देना अदर, जो हमारी ये नहीं कि मतलब किसी भी पार्टी को हम लोग सपोर्ट करते आई देन, ऐसा नहीं है जो हमारी बीजेपी या किसी को नहीं, लेकिन एक जो मोदी जी में एक बेस्ट क्वालिटी, हाँ जो एक बेस्ट क्वालिटी है, तो बेस्ट मोदी जी को मैं एक सपोर्ट करता हूँ, 100 में 100 नंबर देता हूँ। हम जनता की राय जाने, हम आपको बता दें कि कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, क्योंकि फिर हम पे आरोप लगते हैं कि मीडिया बिकी हुई है, जो जनता की राय है वो हमने आपके सामने रखी, साफ ये बोला कि मोदी कभी इस्तीफा दे ही नहीं सकते, और देश में अगला प्रधानमंत्री मोदी ही होना चाहिए। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, गणतंत्र दिवस का समारोह है, आप अगर इस समय मोदी जी इस्तीफा दे देते हैं तो आपको, आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है ना होगा आगे चल के, और हम 100% मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनकी नीति और नियत पर शक नहीं है। नीति और नियत जी, साफ इन्होंने कहा कि नीति और नियत पर शक नहीं है, और कहीं ना कहीं साफ दिखा रहा है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी, पूरा देश जश्न मना रहा है, और इस समय मोदी जी इस्तीफा दे देते हैं तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? इस्तीफा कैसे देते हैं हमारे बगैर पूछे? अच्छा जो हमने बनाया है तो हमसे पूछ कर इस्तीफा देंगे, वो नहीं दे सकते, वो अपनी राय से नहीं दे सकते। सर ने साफ कहा कि हमने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, जब तक हम नहीं बोलेंगे वो इस्तीफा नहीं दे सकते। ये एक कड़ा जवाब है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, 26 जनवरी अगर मोदी जी इस समय इस्तीफा दे देते हैं तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी इस्तीफा दे ही नहीं सकते। ये आप समझ सकते हैं कि जनता की क्या राय है, मोदी इस्तीफा नहीं दे सकते, मोदी जी इस्तीफा देंगे, क्योंकि हमने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया तो हमारे बोलने पर वो इस्तीफा देंगे, ये जनता की राय है, और जनता ने जो बुलंद आवाज से साफ कर दिया है कि मोदी जी इस्तीफा नहीं दे सकते, वो देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश को एक ऊंचाई के स्तर पर लेकर गए, आज पूरी दुनिया ने ये जाना है कि भारत देश क्या है और भारत किस तरह से ऊंचाई के स्तर पर बढ़ रहा है। तो देखा आपने, इस रिपोर्ट में हमने जनता से पूछा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दे देते हैं तो उन लोगों की क्या राय होगी। लोगों के अंदर गुस्सा साफ देखने को मिला कि जब हमने देश के प्रधानमंत्री को खुद चुना है तो हम पे ही हक है कि हम उन्हें हटाएं,
और जनता के मन में कितना प्रधानमंत्री के लिए सम्मान है और किस तरह से मोदी के लिए आवाजें बुलंद की है लोगों ने, यह साफ आपने देखा। वहीं दूसरी रिपोर्ट अब हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जहां हमने आजादी से लेकर 2014 और अभी तक का सर्वे पेश करेंगे, जहां पर हमने जनता से जाना कि आजादी के बाद से अब तक कौन से प्रधानमंत्री सबसे बेस्ट रहे, किसका कार्यकाल सबसे बेस्ट रहा। और मेरी सहयोगी शीतल इंदौरिया ग्राउंड जीरो पर गई, उन्होंने जनता से जानना चाहा पूरी रिपोर्ट क्या है, किसने किसको वोट किया, किसने किसको बेस्ट बताया, ये दिखाना जरूरी बन जाता है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अब देखिए हमारी दूसरी रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और लोगों के बीच में इसका उत्साह साफ देखने को मिल रहा है, और इसी उत्साह को जीने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर आए हैं और जनता की जो है हम राय लेना चाहेंगे कि 1950 से लेकर के 2014 तक अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बनाए गए हैं उनमें से सबसे बेस्ट पीएम 2014 तक कौन है, यही हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से पूछने जा रहे हैं कि कौन 2014 तक अब तक बेस्ट पीएम कौन बने हैं, आइए जानते हैं जनता से। सर, जैसे 1950 से लेकर 2014 तक में प्रधानमंत्री अब तक जितने भी बने हैं, आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छा कार्यकाल किस कौन से प्रधानमंत्री का रहा है? सबसे अच्छा कार्यकाल अब तक तो जो भी हुआ 70 साल में ना, उसका रूपांतरित आज में देखने को मिला है मोदी जी से, कि पूरे हिंदुस्तान पूरे विश्व में जो मोदी जी ने दम लाया ना हिंदुस्तान को, वो आज तक कोई प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि इस देशवासियों को मैं आज कल 26 जनवरी है, आज मैं 25 जनवरी को ही मैंने शुभकामना व्यक्त कर रहा हूँ, और इस शुभकामना के साथ उम्मीद और आशा करूँगा कि ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री को चुन करके दोबारा इस देश को लाएं, ताकि विश्व में उसी तरह जो पताका फहराए हैं वो पताका फहर करके दिखा दें। आप जान सकते हैं कि जनता ने साफ साफ ही क्लियर कर दिया है कि मोदी सरकार 2019 में दोबारा आनी चाहिए। इसी तरीके से हम जानते हैं कि जनता को और कौन से प्रधानमंत्री प्रिय हैं, वो हम जानते आएंगे जनता से। जैसे सर 1950 से लेकर 2014 तक अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बनाए गए हैं उनमें से सबसे प्रिय जो सबसे अच्छा कार्यकाल कौन से प्रधानमंत्री का रहा, आपसे जानना चाहेंगे। मैम, मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी का रहा है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी ने अच्छा कार्यकाल किया? क्योंकि मैम अगर देखा जाए तो उन्होंने डिमोनेटाइजेशन भी किया, अच्छी बात है, और ब्लैक मनी भी गई है, और उन्होंने खासतौर से मैम लड़कियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं भी दी है, तो इसलिए मैम नरेंद्र मोदी अच्छे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे मोदी की योजनाएं लोगों की जुबान तक बयां करती है, कि कैसे मोदी ने कार्यकाल जो है उनका कितना खूबसूरती से उन्होंने निभाया। इसी के साथ और लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं और जानते हैं उनकी राय क्या है। सर, जैसे 2000 आपने अभी क्वेश्चन सुना ही है कि 1950 से लेकर 2014 तक कौन से प्रधानमंत्री सबसे प्रिय है आपके लिए होंगे, जिनका कार्यकाल सबसे अच्छा रहा है? सेम एज मोटिवेशन है, पीएम मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो उनकी क्या चीज ऐसी अच्छी लगी है जो आप उनको चुन रहे हैं? उनकी ये चीज़ है जो निर्माण का डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहा, और उसमें इन्होंने भेदभाव नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं है। और सबसे मेन मोटिवेशन का ब्लैक मनी का, ठीक है, जो जिस बंदे ने करेंसी चेंज करवा दी वो आगे ऑब्जर्वेशन में बंदा अच्छा। तो आपको क्या लगता है, महागठबंधन हुआ है उसके हिसाब से 2019 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, 2019 में मोदी रिपीट होंगे? तो यहाँ साफ साफ जनता कह रही है कि 2019 में भी मोदी ही रिपीट होंगे, मोदी जी की ही सरकार आएगी। 1950 से लेकर 2014 तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं सबसे अच्छा कौन लगा है, सबसे बढ़िया काम किसने किया है? सबसे बढ़िया है मोदी जी लगाए, मोदी जी लगाए हैं। तो क्या उनका काम तुम्हें पसंद आया है, जो उनका काम इतना बढ़िया लग रहा है? जो काम अच्छा कर रहे हैं, भरा बुरा वो अच्छा लग रहा है। अब तक 2014 तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं सबसे अच्छा कार्यकाल आपको किस प्रधानमंत्री का लगा? मोदी जी हैं। मोदी जी का ऐसा क्या जो उनका कार्यकाल आपको अच्छा लगा? ऐसा उनका इसलिए अच्छा लगा है कि जो भी काम कर रहे हैं बाहर के टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है। लोगों को सारा टैक्स भरो, जीएसटी दो, ये सब चीज़ अच्छी चीज़ है ना कहीं। तो उनमें क्या एक पर्टिकुलर चीज़ आपको जो है वो पसंद आई है, जिससे आप उनका नाम? चीज़ है कि बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं, इससे पहले बिना बोलने वाले प्रधानमंत्री थे, जो बोल ही नहीं पाएगा वो देश क्या चलाएगा। सर, आपको
क्या कहना चाहेंगे इसी जवाब में? सरकार है वही हमारी भी राय है। तो आपकी तरफ से भी मोदी जी का ही एक आंसर जो है मोदी जी का? बिल्कुल, मोदी जी के पास किसी चीज़ का स्वार्थ नहीं है। यहाँ पे जितने भी नेता हैं अपने बेटा को मंत्री बनाएंगे, अपने बहू को मंत्री बनाएंगे, अपने बेटी को मंत्री बनाएंगे, अपने पार्टी के किसी बेटे बेटी को मंत्री तो नहीं बनाते हैं वो। लेकिन मोदी के पास कौन बेटा बेटी है कि उसको पैसे चाहिए या पूरा वो करके, या हमें बहुत समझ रहे हैं ना इस चीज़ों को। तो यहाँ पे साफ कहीं ना कहीं दिखाई दे, सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये पहला प्रधानमंत्री है जो निस्वार्थ काम करते हैं और सबसे ज़्यादा वर्किंग करते हैं। इससे पहले कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया है जो इतनी ईमानदारी से काम करे। तो यहाँ पे जनता साफ कह रही है कि और पार्टियों को अगर देखा जाए तो वहाँ पे सिर्फ एक परिवारवाद ही दिखाई दिया जाता है, जहाँ पे वो अपनी बहू बेटी या फिर अपने लड़के को अध्यक्ष बनाते हैं, और एक भारतीय जनता पार्टी केवल एक ऐसी है जहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो अलग अलग होते हैं और उन्हीं के हिसाब से पार्टी के फैसले लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ परिवारवाद जनता को देखने को मिल रहा है। उसी के साथ और जानते हैं कि लोगों की क्या राय है और उनकी क्या प्रतिक्रिया इस मामले पर होती है, आइए जानते हैं। अंकल, जैसे आज़ादी के बाद से अब तक 2014 तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं इस देश में, सबसे अच्छा कार्यकाल या सबसे अच्छा कार्य जिसने किया देश के लिए वो कौन है? मोदी जी हैं। मोदी जी हैं, ऐसा क्यों जो आप मोदी जी का नाम ले रहे हैं? आज तक इस देश का जितने भी प्रधानमंत्री बने वो इतने जोर शोर से आवाज़ नहीं उठाया, किसी में हिम्मत नहीं था। अच्छा, तो यही आप कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी अपनी आवाज़ बुलंद करके आवाज़ उठाते हैं हर काम को लेकर? अपना आवाज़ उठाते नहीं हैं, इस देश को भी उठाने में उसका ताकत है, वो उठाते हैं और करते भी हैं। जैसे यहाँ पे जनता कह रही है, अंकल जी बोल रहे हैं कि कैसे मोदी जी देश को उठा रहे हैं, देश को एक ऊंचे स्तर पे लेके जा रहे हैं। यहाँ जनता के भी साफ साफ हो चुका है कि मोदी जी का कार्यकाल सबसे बेस्ट कार्यकाल है आज़ादी से लेकर अब तक का। तो देखा आपने, जनता ने अपनी राय सामने रखी, प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से देश को ऊंचाई के स्तर पर लेकर गए, जनता के सामने वो खुलकर सामने हैं। जनता ने ये साफ कहा कि मोदी ने आवाज बुलंद करी, देश को आगे बढ़ाया। तीसरी रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करेंगे, जहां पे मेरे सहयोगी मनीष झा ग्राउंड जीरो पर गए। हमने एक प्रैंक खेला, लेकिन उसमें सच्ची देशभक्ति लोगों के अंदर उभर कर सामने आई, जहां पर हमने लोगों से पूछा कि अगर हम आपको पैसे देते हैं लेकिन उसके बदले आपको हमारे तिरंगे को, जो हमारे देश का झंडा है, उसे फाड़ना पड़ेगा। तो जनता ने कहा कि आप हमें करोड़ों रुपए दे दो लेकिन हम इस झंडे को फाड़ेंगे नहीं। देश के अंदर, जनता के अंदर कितनी देशभक्ति भरी हुई है ये साफ देखने को मिला, जहां जनता ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी, अलग अलग राय सामने रखी। तो देखिए हमारी तीसरी रिपोर्ट। सर, ये 100 रुपये आपके और ये झंडा आपका, लेकिन 100 रुपये तब मिलेंगे जब आप झंडा को फाड़ोगे, क्या पैसे करोगे? ये 100 रुपये आपके, हाँ ठीक है, और साथ में ये झंडा मिलेगा। अच्छा। ये झंडा भी आपका, लेकिन शर्त यह है 100 रुपये आपको तब मिलेंगे जब आप इस झंडे को फाड़ोगे, क्या फाड़ोगे? नहीं नहीं फाड़ेंगे। नहीं फाड़ोगे? नहीं। 100 रुपये लीजिए। नहीं, 5000 भी दीजिएगा तो इसको हम नहीं फाड़ेंगे। ये 100 रुपये आपके और साथ में ये झंडा मिलेगा आपको, लेकिन 100 रुपये आपको तब मिलेंगे जब आप ये झंडा को फाड़ोगे, क्या आप करोगे ऐसा? नहीं जी सर, नहीं फाड़ेंगे, कैसे फाड़ देंगे, ये हमारा देश का शान है। तो देखा आपने कि अभी भी 100 करोड़ देगा तब भी नहीं फाड़ूंगा इसको। तो देखा आपने कि लोगों में अभी देशभक्ति का जज्बा कायम है, ये भी कह रहे हैं कि यदि आप 100 करोड़ रुपये भी दोगे तो अभी हम इस जो झंडा है उसको नहीं फाड़ेंगे। तो आइए कुछ और जनता उनसे बात करते हैं। यानी 100 रुपये ही आपका, अच्छा ठीक है, और ये साथ में झंडा दूंगा मैं आपको, लेकिन शर्त यह है कि 100 रुपये तब आपको मिलेंगे जब आप इस झंडे को फाड़ोगे, क्या फाड़ोगे झंडे को? झंडा को फाड़ देंगे। हाँ जी फाड़ेंगे? नहीं नहीं फाड़ोगे? नहीं, देश के लिए झंडा बनाया है कि फाड़ने के लिए बनाया है बताइए? देश के लिए झंडा बना है, फाड़ने के लिए नहीं बना है। जो रक्षा है झंडा का हम लोग शुरू से आखिर तक कर रहे हैं, उसका अनुमान कर रहे हैं बढ़िया तरह से। तो देखा आपने कि लोगों, जो लोग जनता है वो कह रहे हैं कि जो झंडे की कीमत है वो 100 रुपये से काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा में है, क्योंकि ये झंडा जो अपने देश की शान है, आन है, और कहीं ना कहीं इस झंडे के लिए हम देश अपना समर्थन नहीं दे सकते। चलिए कुछ और जनता उनसे इस मुद्दे पर इस बारे में बात करते हैं। सर, ये 100 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, साथ में आपको झंडा दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि आपको ये 100 रुपये तब मिलेंगे
जब आप इस झंडे को फाड़ोगे, क्या आप ऐसा करोगे? झंडा को फाड़ाएंगे, फाड़ोगे, फाड़ोगे, यानी 100 रुपए मैं आपको दूंगा, साथ में झंडा दूंगा, ठीक है? लेकिन ये 100 रुपए तब आपको मिलेंगे जब आप इस झंडे को फाड़ोगे, क्या आप ऐसा करोगे? नहीं, झंडा क्यों फाड़ेंगे? झंडा को नहीं फाड़ेंगे, झंडा तो ये सरकारी झंडा है। अच्छा हाँ, इसको फाड़ने से क्या फायदा हमको मिलेगा? तो कहीं ना कहीं देखा आपने कि जो जो जनता है वो कह रही है कि इस ये झंडा अपने देश की आन है, शान है, और झंडा यदि हमने इस झंडे को फाड़ दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो चलिए कुछ और झंडा हमसे बात करते हैं इस बारे में। सर, ये 100 रुपये मैं आपको दूंगा, ठीक है, साथ में आपको ये झंडा दूंगा तिरंगा, लेकिन ये 100 रुपये आपको तब मिलेंगे जब आप इस झंडे को फाड़ोगे, क्या आप ऐसा करोगे? नहीं। क्यों? जी तो झंडा तिरंगा है वो तो हम लोगों का, वो क्या कहते हैं इसको, हम कैसे उतार सकते? देखा है आपने कि जनता भी कह रही है कि जो झंडे की कीमत है वो कीमत एक 100 रुपये से बहुत बड़ी कीमत है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो चलिए कुछ और जनता हमसे बात करते हैं। सर जी, आपसे कुछ बात करने जा रहे हैं हम आपको 100 रुपये देंगे, ठीक है, साथ में ये झंडा भी देंगे, लेकिन 100 रुपये आपको तब मिलेगा जब आप इस झंडे को फाड़ोगे, तो क्या फाड़ोगे? नहीं फाड़ सकते भाई। हाँ जी आप? नो सर। नहीं फाड़ोगे? नहीं। क्यों? 100 रुपये मिल रहे हैं? नहीं नहीं कोई बात नहीं सर, आप 1000 भी दोगे तो भी नहीं फाड़ेंगे सर। देश मायने रखता है जी, पैसे मायने नहीं रखता, देश मायने रखता है, समझ गए? तो देखा आपने, जनता भी कह रही है कि जो पैसा कहीं से मायने नहीं रखता है, जो देश है वो काफी मायने रखता है। और कुछ और जनता से उनसे बात करते हैं। मैं आपको 100 रुपये दूंगा, ठीक है, बिना मेहनत के आपको 100 रुपये मिलेंगे, ठीक है, साथ में आपको झंडा दूंगा, ठीक है, आप 100 रुपये लेकिन आपको तब मिलेंगे जब आप इस झंडे को फाड़ोगे, तो क्या आप फाड़ोगे? इसे आप हमें फाड़ के क्या मिलेगा? 100 रुपये मिलने हैं? 100 रुपये मेरी जिंदगी कट जाएगी। हाँ जी, 100 रुपये मेरी जिंदगी कट जाएगी। तो बैठे बैठे आपको 100 रुपये मिलने हैं, क्या चाहिए आपको? क्या ये अपने झंडा से बड़े पैसे हैं क्या? हाँ जी, ये हमारे झंडे से बड़े हैं क्या? ये हमारे देश के शान है भाई, इसे मैं जिंदगी में नहीं फाड़ूंगा। तो देखा आपने, इनका भी कहना है कि इस झंडे को कभी नहीं फाड़ेंगे, तो लगा दीजिए जोरदार नारा देशभक्ति, जय हिंद जय भारत। तो देखा, जय हिंद जय भारत के साथ इन्होंने लगाया, साथ ही बताया कि देश सबसे बड़ी चीज़ है, पैसा नहीं। तो कुछ और जनता के लिए उनसे बात करते हैं। मैम, मैं आपको 100 रुपये दूंगा, ठीक है, बैठे बैठे आपको 100 रुपये मिलने, खड़े खड़े बिना मेहनत किए, साथ में आपको झंडा दूंगा, ठीक है, लेकिन 100 रुपये आपको तब मिलेंगे जब आप इस झंडे को फाड़ोगी, तो क्या आप ऐसा करोगे? क्यों सर? ये भारत का झंडा है, ऐसे कैसे? 100 रुपये मिलने? नहीं सर। 100 रुपये नहीं चाहिए? नो सर, आई कांट। तो देखा आपने, इन्होंने मना कर दिया कि 100 रुपये की कोई कीमत नहीं है, जितनी कीमत हमारे लिए झंडे की है, क्योंकि झंडा जो है देश की शान है, देश की आन है। जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय। तो देखा इन्होंने भारत माता की जय। कुछ और पूछते हैं। हाँ जी सर, ये देश के लिए एक जबरदस्त नारा लगाइए, देश के लिए जय हिंद जय हिंद के साथ इन्होंने नारा लगाया। और कुछ जनता से बात, ये लगाइए हमारे साथ, एक जनता है, लोग हैं कुछ, वो लगाइए नारा, लगाइए जोरदार नारा, भारत माता की बोली बोली आप, जय भारत माता की, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। आइए कुछ और जिंदा जोरदार नारा लगाइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो देखा आपने कि जनता किस तरह से नारे लगा रही है देश के लिए, जो जज्बा है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है, जो आज भी कायम है। तो अब तक लेट नहीं, आप देखते रहिए ओनली न्यूज़ 24/7। तो देखा आपने, जनता ने अपनी राय सामने रखी, जहां हमने तिरंगा दिया, पैसे भी दिए, लेकिन लोगों ने तिरंगे को सिलेक्ट किया। जहां पर मोदी के इस्तीफे की जब बात आई, जनता के अंदर गुस्सा साफ देखने को मिला। जनता ने साफ बोल दिया कि हमारी नजरों में सिर्फ एक प्रधानमंत्री है, और वो ऐसे कैसे इस्तीफा दे सकते हैं? यानी कि 2014 के बाद से जनता ने विकास देखा है देश के अंदर। वहीं जहां मेरी सहयोगी ने यह पूछा था कि आजादी के बाद से अभी तक कौन सा नेता सबसे बेस्ट है, किसका कार्यकाल सबसे बेस्ट रहा, तो उसमें भी मोदी का नाम सबसे आगे आया। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को विकास के साथ साथ देश को नंबर वन लाने पर मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और पूरी दुनिया के सामने भारत की छवि को उभार के रख दिया, भारत की छवि को दिखा दिया। ये रिपोर्ट थी गणतंत्र दिवस की, ये जो स्पेशल रिपोर्ट हम जनता के साथ, माफ कीजिएगा, हम ग्राउंड जीरो पर गए, सर्वे किया,
जनता की राय जाननी चाहिए और जनता ने कहीं ना कहीं खुलकर अपने दिल की बात सामने रख दी। 2019 का लोकसभा चुनाव सर पर है, किसका दबदबा, किसकी लहर सबसे आगे है, ये अब शायद जनता को पता चल गया होगा। जहां हमने आपको इस खबर को दिखाया, वहीं आपसे अनुरोध करेंगे कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ये पता चले कि सच्चाई क्या है और जनता के मन की बात क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे ओनली न्यूज 24x7 सच की तह तक। वीडियो देख ली, शेयर तो कर ही दिया होगा, है ना? नहीं किया तो कर दो, एक क्लिक ही तो लगता है। अब तो कर दिया होगा, अभी भी नहीं किया? अरे कर दो ना। और हाँ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। ओनली न्यूज 24x7 सच की तह तक। हम देते हैं सबसे सटीक खबर और हमारी खबरों को देखकर होती है देशद्रोहियों को जलन, क्योंकि ऑनलाइन मीडिया में बजता है सिर्फ हमारा ही डंका। क्योंकि भारत हो या अमेरिका, इंटरनेट पर हर कोई हमें है चुनता। तो इसीलिए निडर है ओनली न्यूज, और यकीन मानिए हमें देखकर उड़ जाते हैं विरोधियों के फ्यूज। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। ओनली न्यूज 24x7 सच की तह तक।